चलो बात हो गया था डिफरेंस में अच्छा लगा लाइन और एम आर देखो कॉपी कर सकते हो solids are classified into two parts one is called as crystalline and second is called as amorphous on the basis of the arrangement of particles the arrangement of particles are regular crystalline arrangement of particles are irregular amorphous इनके बारे में कुछ पॉइंट लिख के दिए थे सात आठ पॉइंट लिख के दिए थे डिफरेंस के फॉर्म में ठीक है उससे पहले हमने देखा था कि सॉलिड क्या होता है और सॉलिड जो रहेगा वो कौन से प्रॉपर्टी को शो करेगा फर्स्ट में बोलो Tell me about the five properties of solid. एक कटायन दूसरा अनायन ऐसा है क्या बोलेंगे यहाँ पे तो
पार्टिकल की बात कर रहे हैं, वो पार्टिकल किस फॉर्म में है? तो पार्टिकल किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो आयंस के फॉर्म में हो सकते हैं, एटम्स के फॉर्म में हो सकते हैं, मेटल के फॉर्म में हो सकते हैं, नॉन मेटल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये पार्टिकल जो है, लेकिन उनका अरेंजमेंट देखना है, वो है कौन, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेटल है, नॉन मेटल है, आयन है, मॉलिक्यूल है, वो इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है उनका पैटर्न रेगुलर है कि इरेगुलर है। तो हम जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेगुलर। लेकिन ये तो पॉइंट जिसको रेफरेंस पॉइंट हम मानते हैं, एटम, आयन, मेटल, नॉन मेटल, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। इफ यहाँ पे सपोज मैंने बोला कि ये गोल्ड है और ये भी गोल्ड है, मेटल नॉन मेटल, दूसरी बार मैंने उसको चेंज किया, लिखा कार्बन और कार्बन, क्योंकि दोनों के प्रॉपर्टी सेम है, डिफरेंट है, लेकिन है तो दोनों सॉलिड, ये प्रॉपर्टी कैसे रहेंगे? तो हमको चार बातें पढ़नी है, पहला वो किससे बना हुआ है, दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमको ये भी देखना होगा ना कि जब ये दो पार्टिकल एक दूसरे के पास है, पास है, इसका मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, पहला कौन सा देखना है, किससे बना हुआ है, दूसरा तीसरा कंडक्टिविटी शो करेगा कि नहीं करेगा, क्या कंडक्टिविटी जो है बता सकता है, कंडक्टिविटी कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है? नंबर ऑफ आयंस, वो तो लास्ट चैप्टर में होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो दो बातें हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस, ठीक है। लेकिन इन दोनों में याद बात याद रखना है, फ्री लोकलाइज कैसे होने चाहिए, डीलोकलाइज का मतलब जगह चेंज होगी। सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही जगह फिक्स होते हैं, लेकिन जो पाई बॉन्ड वाले होते हैं इनको रेजोनेंस शो करेंगे, तो वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन घूमेंगे एक ही जगह फिक्स होंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में हैं तो लोकलाइज, और रेजोनेंस में नहीं रहेंगे तो लोकलाइज, समझ में आ गया। तो लोकलाइज का मतलब होता है जिनका पोजिशन फिक्स होगा, और डीलोकलाइज का मतलब होता है जिनका पोजिशन चेंज होगा, ठीक है। तो कंडक्टिविटी शो करने के जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होने चाहिए, और आयन जो रहेंगे वो भी कैसे होने चाहिए, वो ऐसा है कंडक्टिविटी शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। तो कंडक्टिविटी के लिए दो पॉइंट, पहला पॉइंट क्या बोला था, इससे बना हुआ, दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तीसरा कंडक्टिविटी, चौथा मेल्टिंग पॉइंट। ज्यादा है कि कम है, कंपैरेटिवली इसका ज्यादा है, उसका कम है, उसका मीडियम है। अब ये मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दो पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, इन उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, हां मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, और कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मेल्टिंग पॉइंट कम। दो बातें हैं, फिजिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड डायरेक्टली बनता है और फिजिकल इनडायरेक्टली बनता है। केमिकल में इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करते हैं, फिजिकल में इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो ज्यादा स्ट्रांग कौन सा बॉन्ड रहेगा, केमिकल या फिजिकल? केमिकल, पक्का? तो केमिकल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग रहेगा कंपेयर टू फिजिकल, तो इसका मतलब एक सॉलिड ऐसा है जिसमें केमिकल बॉन्ड है और दूसरा सॉलिड ऐसा है जिसमें फिजिकल बॉन्ड है, क्या होगा? केमिकल बॉन्ड वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और फिजिकल बॉन्ड वाले का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, क्लियर हुआ? कितने बातें पढ़नी है, चार। इससे बना हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, कंडक्टिविटी शो करेगा कि नहीं करेगा, और मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर हो गया? हाँ। अब ये जो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, कौन से कौन से फॉर्म हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकता है, मेटल हो सकता है, आयन हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकता है। इफ वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो उसको कहा जाता है मॉलिक्यूल।
एग्जाम्पल देने के टाइम पे मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल दूंगा वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में, लेकिन सॉलिड नहीं होंगे, सिर्फ समझाने के लिए कि अरेंजमेंट कैसा होगा। ठीक है, इफ दूसरा आता है मेटल, इसमें वो पार्टिकल किस फॉर्म में होंगे, मेटल के फॉर्म में। तीसरा आता है आयन, क्या होगा, आयन के फॉर्म में। कोई दूसरा क्वेश्चन हो गया लास्ट में, बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है, जाली जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, बड़ा लार्ज स्ट्रक्चर, जाइंट स्ट्रक्चर, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, फिर वहां से करेंगे मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर। ठीक है, अगला में आ रहा है हां मॉलिक्यूलर। पॉइंट नंबर 1 क्या आना चाहिए, किससे बना हुआ है मॉल मॉलिक्यूल, इससे बना हुआ है उसको तो मॉलिक्यूल से बना हुआ, जैसे CO2 है दूसरा CO2, तीसरा CO2, एक H2O दूसरा H2O, तीसरा H2O, H2O क्या मॉलिक्यूल है, अरे H2O क्या है मॉलिक्यूल है ना, इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा पॉइंट क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने पढ़ा था वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब इसके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैन डर वाल प्रमोटर भी होता है। तीसरा कंडक्टिव टेस्ट हो करेगा नहीं करेगा, क्या मॉलिक्यूल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नो, क्या आयन होते हैं, नो, इसका मतलब इंसुलेटर, इसका काम करेगा इंसुलेटर। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई लो, लो, तो यही सब होता है, हां लो ऐसा होना चाहिए, लो मेल्टिंग, नहीं समझे, समझा, चलो फिर देख लो, देख लो मॉडरेट का आ जाता
उसका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल तो वेरिएबिलिटी के तो कुछ लोगों का बहुत कम होता है, इसलिए नॉर्मल ही रहता है, ठीक है। सेकंड वाला देख लो, थर्ड लेते हैं, चलिए आगे तीसरा आता है आयोजन। आप ही गेस करते हैं, 20 सेकंड में गेस करने की आवाज नहीं है। चारों पॉइंट गेस करते हो गया, क्या होगा पहले पॉइंट में किसका बना रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अपोजिटली चार्ज आयंस है और अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में हमेशा कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीसरा कंडक्टिविटी, ये नहीं बोला आपका पॉइंट गलत है और ये भी नहीं बोला आपका ये मुझे रीजन है, और कौन है सॉलिड में आयन इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, ये हो सकता है, राइट। सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, अब वो आयन रहे, मेटल रहे, नॉन मेटल रहे, कोई भी रहे, जब वो सॉलिड स्टेट में रहेगा तो उनका पोजीशन जो रहेगा तब वो ये सॉलिड है, तो ऐसा होगा कि यहाँ पे पॉलीमर का ये पार्टिकल आज यहाँ पे कल यहाँ पे रहेगा और यहाँ का पार्टिकल यहाँ जाएगा। अरे क्वेश्चन का आंसर दो, नहीं होगा ना, इसका मतलब सॉलिड स्टेट में पोजिशन जो रहेगा वो चेंज नहीं होगा, और भले वो आयंस का बना हुआ है लेकिन आयंस का बना हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है, आयंस का डीलोकलाइजेशन इंपॉर्टेंट है कंडक्टिविटी के लिए, आयंस का डीलोकलाइजेशन। इसमें आयंस है लेकिन यहाँ पे कटायन है, यहाँ पे अनायन है, लेकिन कटायन और अनायन दोनों का पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, और जब दोनों का पोजीशन चेंज होगा ही नहीं तो कंडक्टिविटी करेगा नहीं करेगा, और इसीलिए सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, मेल्ट होने के बाद क्या होगा, कटायन और अनायन का पोजीशन चेंज हो सकता है, मतलब वो लोकलाइज बन जाएंगे डीलोकलाइज, इसका मतलब मोल्टन स्टेट में वो क्या करेगा, कंडक्टिविटी शो करेगा, एक्वा स्टेट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो दूर दूर ही रहेंगे तो इजीली क्या करेंगे अपना पोजीशन चेंज करेंगे। तो इन केस कोई आपको ये पूछ लेता है कि आयोनिक सॉलिड में आयंस प्रेजेंट है फिर भी वो सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी क्यों शो नहीं करता है, तो रीजन क्या आएगा, सॉलिड स्टेट में जो आयंस होते हैं वो कैसे होते हैं, लोकलाइज्ड,
और कंडक्टिविटी शो करने के लिए आयंस कैसे होने चाहिए, जीरो पर है, और इसीलिए वो सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, सॉलिड में क्यों शो नहीं करता, इसके बदले मोल्टन में ही क्यों करता है, तो रीजन क्या आएगा, मोल्टन में जो पार्टी आयंस रहेंगे उनका पूरी वो कैसे रहेंगे, जीरो पर है, और जब आयंस जीरो पर आए रहेंगे इसका मतलब वो कंडक्टिविटी को शो करेंगे, सिंपल नहीं समझा, ठीक है, हो गया क्लियर। तो सॉलिड में पार्टिकल्स का पोजीशन चेंज नहीं होगा इसलिए कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। मेल्टिंग पॉइंट हाई या लो, हाई, इसके बारे में आयोनिक सॉलिड देख रहे हैं। क्या आना चाहिए, नॉन मेटल, क्या आना चाहिए, नॉन मेटल,
क्लियर है, देखो बात और कुछ अब इसमें लिखा तो कैसा क्योंकि किसका बना हुआ था नॉन मेटल का, नॉन मेटल कंडक्टिविटी तो नहीं सर, लेकिन एक एक्सेप्शन है, कौन है एक्सेप्ट जी कौन ग्राफाइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या है ग्राफाइट पे कि जो नॉन मेटल का बना होने के बाद भी कंडक्टिविटी शो करेगा। आपने बहुत बार जब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा तो वहां पे लिखा जाता है कि इलेक्ट्रोड यूज करते हैं कंडक्टिविटी को फ्लो करने के लिए, कंडक्टिविटी मतलब करंट को फ्लो करने के लिए। कभी कभी लिखा जाता है कि वो कॉपर का इलेक्ट्रोड है या जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये तो समझने के लिए सही है क्योंकि कॉपर भी मेटल है और जिंक भी मेटल है। कभी कभी लिखा जाता है कार्बन का इलेक्ट्रोड है, कभी आपने ये सोचा नहीं कि कार्बन का इलेक्ट्रोड कैसे, कार्बन तो नॉन मेटल है और नॉन मेटल कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, लेकिन वो कार्बन का है लेकिन वो रियल में किसका है ग्रेफाइट, क्योंकि बाकी जितने भी कार्बन के नॉर्मल कंडक्टिविटी शो मतलब डायमंड और ग्रेफाइट में से, और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रोड बनता है उससे बनता है। और किसी ने पूछा कि ग्रेफाइट क्यों, डायमंड भी कार्बन का बना है ग्रेफाइट भी कार्बन का बना है, तो कार्बन कंपोजिशन तो दोनों का है लेकिन कंडक्टिविटी एक ही शो कर रहा है, दूसरा क्यों नहीं कर रहा है, व्हाई ओनली ग्रेफाइट शो कंडक्टिविटी, एनीवन बीस सेकंड दिए, दस सेकंड तो पहले हो गए थे ना। हाइब्रिड है, अनहाइब्रिड है, और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिट होता है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है,
पाई बॉन्ड, और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको क्या बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस शो करते हैं, क्या शो करते हैं मतलब वो लोकलाइज डीलोकलाइज, और इसके वजह से वो क्या करते हैं कंडक्टिविटी को शो करते हैं, नहीं समझा ऐसा था जो देखा
इसलिए क्योंकि वाटर में जाने के बाद तो दूर ही हो जाएंगे ना, तो बहुत सारे आयन्स रहेंगे और वो ऐसे आयन्स रहेंगे तो इन जगह फिक्स रहेंगे, पोजिशन चेंज कर रहे हैं। वाटर में हमने एल सी एल को डिजॉल्व किया तो क्या ऐसा होगा कि एल सी एल वाटर में के बाद सी एल में ऊपर था घूमते रहेंगे वो आयन्स लोकलाइज है डीलोकलाइज है। पहले दो वर्ड समस्या है, एक होता है आइसोमॉर्फिज्म और दूसरा होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ये दो ऐसे वर्ड है जो आपको बार बार इस चैप्टर में आएंगे बीच में, आइसोमॉर्फिज्म है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। आइसोट्रॉपी एनिसोट्रॉपी से अलग है, इसमें ऐसा कहा जाता है बोथ आर एप्लीकेबल ओनली फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड, बोथ आर एप्लीकेबल ओनली फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड सेम कंपोजिशन। यहाँ पे सेम कंपोजिशन का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, यहाँ पर सेम कंपोजिशन का मतलब होता है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम पैटर्न में होगा। सेम कंपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सेम कंपोजिशन का मतलब होता है उनका फॉर्मूला सेम पैटर्न में होगा। एग्जांपल के लिए पहले का फॉर्मूला ए बी है तो ए बी टू और दूसरे का फॉर्मूला है एक्स वाई टू, तो इन दोनों का फॉर्मूला सेम पैटर्न में है। पहला वाला एटम या आयन जो है वो एक है और दूसरा वाला कितने हैं दो है, तो पैटर्न कैसा हुआ सेम। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी टू सी थ्री एक्स वाई टू जेड थ्री, दोनों का पैटर्न कैसा है सेम, हम यहाँ पैटर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन उनका कंपोजिशन सेम है और उनका स्ट्रक्चर भी सेम है, स्ट्रक्चर कैसे है सेम है, तो उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा मैंने Na3PO4 और दूसरा लिखा मैंने Na3AsO4, दोनों का कंपोजिशन सेम होता है। यहाँ पे कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ, दोनों का फॉर्मूला सेम तरीके से है, N पहला एटम तीन, पहला एटम तीन, दूसरा एक, तीसरे चार, तीसरे चार, तो इन दोनों को कहा जाएगा कि दोनों के दोनों क्या शो करेंगे आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे, क्या शो करेंगे आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। इनका कहने का मतलब होता है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब सेम कंपोजिशन है, कंपोजिशन कैसा रहेगा सेम, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो रहेगा वो कैसा रहेगा डिफरेंट, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीमर। और स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेंगे, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट दोनों का कंपोजिशन सेम लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट, क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो क्रिस्टलाइन में वो पॉलीमॉर्फिज्म होता है और नॉर्मल में वो एलोट्रॉपिक होता है। एलोट्रॉपिक पढ़े थे ना, कंपोजिशन सेम होता है क्योंकि प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट। तो नॉर्मली मॉलिक्यूल्स में जिसको हम लोग एलोट्रॉप बोलते हैं, एलोट्रॉपी बोलते हैं फिनोमिना को, उसी को क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, क्या कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें कंपोजिशन सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जैसे आप SiO2 को देख सकते हो,
SiO2 से ग्लास भी बनता है, SiO2 से क्वार्ट्ज भी बनता है। दोनों का फॉर्मूला कंपोजिशन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट, तो प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। तो एक होता है आइसोमॉर्फिज्म और दूसरा होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है यहां तक। अब ये जो सॉलिड है रेगुलर पैटर्न इरेगुलर, हम क्लास की बात करते हैं, तीन 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 बैठे हैं, रेगुलर इरेगुलर, पहले और सेकंड बेंच का पैटर्न सेम है अलग है? सेम। पहले को मैंने बोला पैटर्न ए, तो दूसरे को क्या बोलेंगे? ए। तीसरे को भी बोलेंगे ए। तो ये ए ए ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट हुआ। कौन सा? ए ए ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो पहले लेयर का अरेंजमेंट और दूसरे लेयर का अरेंजमेंट, तीसरे लेयर का अरेंजमेंट, चौथे का, इसको क्या बोलेंगे? फोर्थ टाइप का, ए ए ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो यहाँ पे भी ये रहेगा ए, ये रहेगा ए, ये रहेगा ए और ये रहेगा ए। टू थ्री टू थ्री, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे ए, उसको बोलेंगे बी। यहाँ पे पहले को हमने बोला है ए, वहाँ दूसरे को बोलेंगे बी, तीसरे को बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे ए और इसको बोलेंगे बी। पैटर्न कौन सा है? पैटर्न कौन सा है? ए। इसको हमने बोला है ए, तो ये क्या रहेगा? ए। ए भी रहेगा ए और ये रहेगा ए। समझ में आ रहा है? पहली जो टर्म आती है उसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट। ये जितने भी सॉलिड है ये सभी के सभी सॉलिड पार्टिकल्स के बने हैं, जिसकी पहले बात की थी हमने। एटम के फॉर्म में रहेगा, आयन के फॉर्म में रहेगा, मेटल के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा। ये जो पॉइंट्स है, ये जो पार्टिकल्स है, जिन पार्टिकल से ये सॉलिड बने, कौन से? क्रिस्टलाइन सॉलिड। उन पार्टिकल को कहा जाता है, एक पार्टिकल को कहा जाता है एक लैटिस पॉइंट। तो ऐसे मैंने यहाँ पे 16 पॉइंट ड्रॉ किए हैं, तो इसके अंदर कितने लैटिस पॉइंट है? 16। समझ में आ गया? तो लैटिस पॉइंट का मतलब जो पहले पढ़ा था वही है, कौन सा? पार्टिकल। तो यहाँ पे तो एक पार्टिकल है उसको बोलेंगे एक लैटिस पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिस पॉइंट, क्या बोलेंगे? द पार्टिकल व्हिच आर प्रेजेंट इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट। दूसरा जो आता है वो आता है स्पेस लैटिस। क्या आता है? स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस का मतलब होता है लैटिस पॉइंट का जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं स्पेस लैटिस। तो यहाँ पे लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट रेगुलर है इरेगुलर है? तो ये पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्पेस लैटिस। क्या बोलेंगे? स्पेस लैटिस। यहाँ पे जो लैटिस पॉइंट है उनका अरेंजमेंट रेगुलर इरेगुलर, ये पूरा का पूरा क्या बनेगा? स्पेस लैटिस। दोनों स्पेस लैटिस सेम है, डिफरेंट है? डिफरेंट। हम इसमें देखेंगे तो पार्टिकल्स का लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट रेगुलर है इरेगुलर? रेगुलर। तो ये अरेंजमेंट होने के बाद जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? स्पेस लैटिस। तो किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेस लैटिस, तो क्या बोलेंगे? द अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन रेगुलर पैटर्न। अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन रेगुलर पैटर्न इज कंसीडर्ड एज अ स्पेस लैटिस। क्लियर हुआ? अब ये जो स्पेस लैटिस है ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इन चार एडजेसेंट पॉइंट को कनेक्ट किया। कौन सा शेप है? स्क्वायर। तो यहाँ पे स्पेस लैटिस जो है वो कौन से शेप का रहेगा? स्क्वायर। यहाँ पे मैंने इनको कनेक्ट किया रेक्टेंगुलर। तो दोनों में पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वहाँ पे भी लैटिस पॉइंट है, यहाँ पे भी लैटिस पॉइंट है। तो वहाँ पे लैटिस पॉइंट और यहाँ पे लैटिस पॉइंट दोनों में अरेंजमेंट सेम है, डिफरेंट है? मतलब उसका स्पेस लैटिस और इसका स्पेस लैटिस सेम है, डिफरेंट है? वहाँ पे कौन से शेप में है? स्क्वायर। और यहाँ पे रेक्टेंगुलर। ये समझा? अब इसकी बात करते हैं। मैंने इसको ऐसे ज्वाइन किया, इसको ऐसे ज्वाइन किया, इसको ऐसे ज्वाइन किया, इसको ऐसे ज्वाइन किया, क्या बनेगा? बन गया? नहीं बना? पक्का? क्या इसमें अरेंजमेंट और इसमें अरेंजमेंट सेम है? उसका स्पेस लैटिस और इसका स्पेस लैटिस सेम है? कैसा है? डिफरेंट। तो स्पेस लैटिस अलग अलग हो सकता है। ठीक है, सपोज मैंने ऐसा कंसीडर किया,
कौन से शेप में आ गया? हेक्साहेड्रल। कौन से शेप में आ गया? हेक्साहेड्रल। तो वो हेक्साहेड्रल भी हो सकता है, ठीक है। तो स्पेस सर्फेस का मतलब सिंपल, जितने भी लैटिस पॉइंट है उनका रेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट करना। तो वो स्क्वायर भी हो सकते हैं, हेक्साहेड्रल भी हो सकते हैं। इसको क्या बोला था? कोलंबस। कोलंबस। इसको क्या बोला था? ठीक है, कोई भी शेप मतलब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीएन के बारे में। सीएन मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट को कंसीडर करना है, किसी भी एक पॉइंट को, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को कंसीडर किया तो ये मेरा सिस्टम बन गया। ये इधर डायरेक्टली एक पार्टिकल को अटैच्ड है, यहाँ पे दो पार्टिकल, यहाँ पे तीन पार्टिकल, यहाँ पे चार पार्टिकल। तो ये एक पार्टिकल डायरेक्टली कितने पार्टिकल को अटैच्ड है? चार। तो इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? चार। जैसे पॉलीमर में जो लास्ट वाला होता है वो बाकी लोगों से अलग होता है, क्योंकि वो एक्सटेंड करते जाएंगे, कब तक करेंगे? कभी ना कभी तो खत्म होगा ना। और वो पहले तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, बाद में वही करेगा। तो उसके बारे में नहीं सोचना, टर्मिनल के बारे में, बीच वाले के बारे में सोचना। तो बीच वाला जो मैंने पॉइंट लिया है वो डायरेक्टली कितने पार्टिकल को अटैच है? तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? चार। यहाँ पे मैंने इस पार्टिकल को कंसीडर किया, किसको अटैच है? एक, दो, तीन, चार, कोऑर्डिनेशन नंबर चार। यहाँ पे ये पार्टिकल एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर को भी फाइंड करेंगे, डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसमें क्या था चैप्टर में लास्ट वाले? सेंट्रल मेटल ने लिगेंड के साथ टोटल कितने बॉन्ड्स बनाए? सिग्मा बॉन्ड्स। यहाँ पे क्या होगा? एक पार्टिकल डायरेक्टली कितने एडजेसेंट पार्टिकल के साथ अटैच है? कितने पार्टिकल से अटैच है? चार। कोऑर्डिनेशन नंबर चार। यहाँ पे कितना रहेगा? छह। पहली बार लैटिस पॉइंट का मतलब क्या होता है? पार्टिकल व्हिच आर प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब पार्टिकल व्हिच आर प्रेजेंट इन अ रेगुलर पैटर्न इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट। तो एक पॉइंट के बारे में जब बात करेंगे तो वो लैटिस पॉइंट होगा, और इस लैटिस पॉइंट का जब अरेंजमेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे स्पेस लैटिस। और स्पेस लैटिस का शेप सेम रहेगा, अलग रहेगा, अलग अलग हो सकता है, समझ में आ रहा है? मतलब उनका अरेंजमेंट अलग अलग रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी अलग अलग होगा। इतना लिख लो, डाउट है।